अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, हमारा अगला टॉपिक बायोलॉजी सेकंड ईयर क्लास का है, जिसमें हम चैप्टर 24 की बात करेंगे, एवोल्यूशन। अब ये एवोल्यूशन क्या होती है? एवोल्यूशन अगर हम इसको उर्दू में देखते हैं तो इसको इर्तका कहते हैं। द ग्रेजुअल चेंज इन एनीथिंग विच मूव फ्रॉम सिंपल टू कम्प्लेक्स इज कॉल्ड एवोल्यूशन। यानी कि इसके अंदर क्या होता है, ग्रेजुअली चेंज आता है। सपोज दैट, कैसे ग्रेजुअली चेंज आ रहे हैं, अगर हम बात कर लें, हम ये कहते हैं कि जो प्रोक्रियोट्स हैं वो हमारे अनसेस्टर हैं और आज हम क्या हैं, यूक्रियोट्स। यानी कि ये जो प्रोक्रियोट्स थे ये क्या हैं, ये बिल्कुल सिंपल ऑर्गेनिजम्स थे और इनके चेंज होने की वजह से जो चीज़ प्रिपेयर्ड हो रही है वो यूक्रियोट्स हैं, जो बेसिकली तौर पर क्या हैं, कम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स। ठीक है जी, हम इस चीज़ को एवोल्यूशन कहते हैं, जिसमें वो मूव कर रहे होते हैं सिंपल टू कम्प्लेक्स की तरफ। इंट्रोडक्शन में अगर हम इसकी सबसे पहले डेफिनेशन कर लें तो वो कह रहा है कि एवोल्यूशन इज द चेंज इन द करैक्टरिस्टिक्स ऑफ अ स्पीशीज ओवर सेवरल जनरेशंस। चेंज इन द करैक्टरिस्टिक्स, यूकैरियोट के करैक्टरिस्टिक्स और होते हैं, प्रोकैरियोट्स के करैक्टरिस्टिक्स और होते हैं। ठीक है, प्रोक्रियोट का जेनेटिक मटेरियल यूक्रियोट के जेनेटिक मटेरियल के साथ मैच तो करके, लेकिन इनका जेनेटिक मटेरियल जो सा होता है उसके अंदर बेस पेयर्स की क्वांटिटी कम होती है, यहाँ बेस पेयर की क्वांटिटीज़ ज़्यादा होती हैं। यहाँ पर अगर आप देख लें तो ऑर्गेनेलिस का भी फ़र्क होगा, यहाँ पर भी ऑर्गेनेलिस का फ़र्क होगा। तो ये इनके करैक्टरिस्टिक्स हैं, तो करैक्टरिस्टिक्स के अंदर जब सेवरल जनरेशंस गुजरने के बाद चेंज आता है, हम उसको एवोल्यूशन बोल रहे होते हैं। ठीक है, दूसरी तारीफ क्या है, चेंज इन हेरिटेबल करैक्टरिस्टिक्स, हेरिटेबल वरासती। यानी कि जो इनहेरिटेड होते हैं, जो एक नस्ल से दूसरी नस्ल में पास होते हैं, जिसे हम जेनेटिक मटेरियल कहते हैं, डीएनए, मुंसलिक जीन्स, अब एक नस्ल से दूसरी नस्ल में जो पास होने वाले करैक्टरिस्टिक्स हैं, इनमें चेंजिंग्स की बात कर रहा है। जब इनके अंदर चेंज होने की बात कर रहा है, हम इस चीज़ को भी एवोल्यूशन कह देते हैं। तो एवोल्यूशन के लिए ये नहीं होता कि आपको एक घंटा चाहिए, दो घंटे चाहिए, महीना, दो महीने, नहीं, इनके लिए सदियों का टाइम रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, अब दूसरी बात ये, अगर हम काइंड ऑफ एवोल्यूशन की बात कर लें कि जो एवोल्यूशन है इसकी काइंड्स कौन सी होती हैं, तो एवोल्यूशन की दो काइंड होती हैं, एक माइक्रो एवोल्यूशन होती है, एक मैक्रो एवोल्यूशन होती हैं। माइक्रो एवोल्यूशन के लिहाज से अगर हम बात कर लें तो माइक्रो का मानी स्मॉल होता है, मैक्रो का मानी लार्ज होता है। तो माइक्रो एवोल्यूशन स्मॉल स्केल के ऊपर जो सी है, चेंज जो आ रहे होते हैं, वो हमारे पास कहलाती है माइक्रो एवोल्यूशन। लेकिन अगर आप मैक्रो एवोल्यूशन की बात करोगे तो वो लार्ज स्केल पर होती हैं, तो जिसकी बुनियाद पर बहुत सारी स्पीशीज चेंज हो जाती हैं, हम उसको मैक्रो एवोल्यूशन कहते हैं। लेकिन जो माइक्रो होती है वो सिर्फ एक सिंगल पॉपुलेशन को चेंज कर रही होती है, हम उसको माइक्रो एवोल्यूशन का नाम देते हैं। एवोल्यूशन के रिलेटेड हमारे पास चंद एक क्वेश्चंस हैं जिनका हमारे पास कोई अथेंटिक आंसर नहीं होता। आप फिलोसोफर्स की बात कर लें, आप थियोलॉजियंस की बात कर लें, जो इल्मे दीनियात होते हैं, बायोलॉजिस्ट की बात कर लें, साइंटिस्ट की बात कर लें, इनके पास इन क्वेश्चंस का आंसर नहीं है। पहला क्वेश्चन, हाउ डिड लाइफ अराइज ऑन द अर्थ, ज़मीन के ऊपर ज़िंदगी कब बनी, कैसे बनी, क्यों बनी, कहाँ से आई, ज़मीन की एज कितनी है, ज़मीन कहाँ से निकली है। ठीक है, इन सभी चीज़ों के आंसर्स हमारे पास नहीं है। हम फिर एक ही कहते हैं, कायनात के अंदर एक धमाका हुआ, एक रिएक्शन हुआ, बहुत ज़ोरदार रिएक्शन हुआ, जिसके नतीजे में हमारी यूनिवर्स बन गई। ठीक है, तो अब वो जो धमाका हुआ, जो एक रिएक्शन हुआ, वो बिग बैंग थ्योरी है। बिग बैंग थ्योरी आज से अप्रॉक्सीमेटली 10 to 18 billion years ago की बात है। एक बहुत बड़ा सियारा था, वो हमारे एक छोटे सियारे के साथ टकरा गया, स्पेस में मौजूद है। ये लार्ज साइज का है, लेकिन ये वाला स्मॉल साइज का है। ये बड़े साइज का जो सा था, ये छोटे साइज के साथ जाके टकरा गया। बड़े साइज वाला जो सा था, इसने अपनी एनर्जी ट्रांसमिट कर दी छोटे वाले में, छोटा फट गया, बस्ट हो गया, ब्रेक हो गया, इसके कंपोनेंट्स बन गए, इसे कुछ भी नहीं हुआ, ये वैसे ही आगे चला गया। ये जब टूट गया तो टूटने पे इसके पार्टिकल्स स्पेस के अंदर बिखर गए,
जब स्पेस में बिखर गए वो स्पेस में रिवॉल्व करने लगे, घूमने लगे। फिर उसी ड्यूरेशन में क्या हुआ, दरमियान में एक बहुत बड़ा स्टार आ गया जिसे नाम दिया सूरज का, सन का। बाकी जितने भी प्लैनेट्स थे वो इसके इर्द गिर्द क्या करने लगे, रिवॉल्व करने लगे, वो घूमने लगे। ठीक है, इस स्टार ने अपनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बुनियाद पर इन्हें अपने साथ घुमाना शुरू कर दिया। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन अराइज होता है कि ज़मीन हमारी एंटी क्लॉकवाइज घूमती है, बाकी सारे क्लॉकवाइज घूमते हैं, ये इस तरह कैसे पॉसिबल है, इनका कोई भी ऑथेंटिकेशन नहीं है। ठीक है, फिर वक्त गुजरता गया, ये सारी एक स्पेकुलेशंस हैं, ये सिर्फ एक कहावती बात है समझाने के लिए। फिर यहाँ पर क्या हुआ, जो हमारी ज़मीन थी, वक्त गुजरता गया वो ठंडी होती गई। ज़मीन जो बनी वो 4.7 बिलियन ईयर्स एगो प्रिपेयर्ड हो गई। ज़मीन इसके ऊपर फिर क्रस्ट बनी जिसे अर्थ क्रस्ट कहते हैं, कश्रेयर्स, ज़मीन का ऊपर बलाई हिस्सा होता है, 3.9 बिलियन ईयर्स एगो प्रिपेयर्ड हुआ। अर्थ क्रस्ट के बाद ज़मीन के ऊपर पहली जिंदगी बनी, वो बनी 3.7 बिलियन ईयर्स एगो, और उसका नाम था बैक्टीरिया। ये आर्कियो बैक्टीरिया थे, इन्हें एनशंट बैक्टीरिया भी कहते हैं, ये कुछ ओल्ड बैक्टीरिया। 3.7 बिलियन ईयर्स टाइम पास होता रहा, वक्त गुजरने के साथ साथ ज़मीन के ऊपर फिर पहली फोटोसिंथेसिस हुई, जो 2.5 बिलियन ईयर्स एगो किन्होंने की, सयानो बैक्टीरिया ने। टाइम पास होता रहा, ज़मीन के ऊपर पहला एरोबिक बैक्टीरिया, एरोबिक ऑर्गेनाइज्म प्रिपेयर्ड हुआ 2.2 बिलियन ईयर्स, जिसने ऑक्सीजन का इस्तेमाल करना शुरू किया, क्योंकि ऑक्सीजन को इवोल्व सयानो बैक्टीरिया ने किया था। इनका एक रिएक्शन होता है जिसके अंदर ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस का रिएक्शन पानी के साथ करवा के बदले में ग्लूकोज प्रिपेयर करते हैं और एडिशनली तौर पर ऑक्सीजन बनाते हैं। इसी ऑक्सीजन का माहौल के अंदर इकट्ठा होने की बुनियाद पर जो चीज़ बनी वो ओजोन लेयर बन गई। ठीक है जी, फिर 2.2 बिलियन ईयर्स एरोबिक ऑर्गेनाइज्म प्रिपेयर्ड हुआ और दुनिया के ऊपर जो पहला यूकेरियोट बना वो कब बना, 1.1 बिलियन ईयर्स एगो। ठीक है, ये थोड़ी सी एवोल्यूशन के बारे में है कि ज़मीन कब कहाँ कैसे बनी, ये वो मैंने आपको बता दिया। दूसरी बात ये, जब हम एवोल्यूशन की बात करते हैं हमारे जहन में एक बंदा आता है जिसका नाम है डार्विन, जिसका पूरा नाम चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन होता है। चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन, इस बंदे ने कंसेप्ट और प्रूव किया था, कंसेप्ट बहुत सारे बंदों ने दिया है किस चीज़ का, ये एवोल्यूशन के बारे में, लेकिन प्रूव जिसने किया था वो चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन है। चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन इसका एक पेपर है जो पब्लिश हुआ है जिसे हम नेचुरल सिलेक्शन के नाम से जानते हैं, वो हम पढ़ेंगे, द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज बाई मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शंस। फिर हमारे पास कंसेप्ट है, दो कंसेप्ट होते हैं, एक एवोल्यूशनरी कंसेप्ट होता है, एक स्पेशल क्रिएशन का कंसेप्ट होता है। एवोल्यूशन का कंसेप्ट, एवोल्यूशन का बेसिक माने चेंज होता है। एवोल्यूशन के अंदर क्या होता है कि जो अब दो आइडियाज थे उस वक्त, दो कंसेप्ट थे, वो जो दो कंसेप्ट थे वो कौन कौन से थे, एक कंसेप्ट जो सा था वो कंसेप्ट एवोल्यूशन के लिहाज से था, दूसरा कंसेप्ट जो सा था वो स्पेशल क्रिएशन के लिहाज से था। जो तो कंसेप्ट एवोल्यूशन के लिहाज से, एवोल्यूशन का बेसिक मानी क्या है, चेंज है। अब चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन ये कहते हैं जो आज चीजें मौजूद हैं ये शुरू से ऐसे नहीं थी, इनमें चेंज आया, पहले ये सिंपल हुआ करती थी, अब ये कंप्लेक्स हो गई हैं। जबकि स्पेशल क्रिएशन का जो हामी था, जो कैरलेस लीनियस था, उसने कहा नहीं ऐसा नहीं होता, चीज़ों में चेंज नहीं आता होता, जो चीज़ें मौजूद हैं वो आज जो प्रेजेंट फॉर्म में मौजूद हैं वो शुरू भी ऐसी थी, शुरू मतलब स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर अब तक वो ऐसे ही पैदा हुई हैं। अब स्पेशल क्रिएशन में चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन या अदर जो रिलीजन हैं उनका मानना यही है कि थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन ये ठीक है। बीइंग अ मुस्लिम, हम भी यही कहते हैं कि जो चीज़ें आज मौजूद हैं इन्हें इन्हीं इस शक्ल में बनाकर नीचे भेजा गया है, इनके अंदर कोई एवोल्यूशन नहीं हुई, कोई चेंज नहीं हुआ। आप क्रिश्चियन की बात कर लें, हिंदुइज्म की बात कर लें, आप सिख मजहब की बात कर लें, ठीक है, आप मुस्लिम की बात कर लें, इन सभी का यही कंसेप्ट है कि स्पेशल क्रिएशन ठीक होती है। लेकिन चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन ने कहा नहीं ऐसा नहीं होता, चीज़ों में चेंज आता है, वो चेंज वक्त गुजरने के साथ साथ आता है जिससे चीज़ें जो होती हैं वो सिंपल से कम्प्लेक्स की तरफ मूव करना शुरू कर देती। चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन ये एक यंग नेचुरलिस्ट था, एवोल्यूशनिस्ट था, जबकि जो कैरलेस लीनियस था ये नेचुरली थियोलॉजियंस था और क्रिएशनिस्ट था।
तो दो कंसेप्ट हैं, एक एवोल्यूशनिस्ट के बारे में, एक क्रिएशनिस्ट के बारे में। जो एवोल्यूशनिस्ट होते हैं वो एवोल्यूशन को सपोर्ट करते हैं, जो क्रिएशनिस्ट होते हैं वो स्पेशल क्रिएशन थ्योरी को सपोर्ट कर रहे होते हैं। इन्हीं एवोल्यूशन के लिहाज से बहुत सारे बंदों ने यहाँ पर कुछ वर्क परफॉर्म किए हैं, जिनमें कैरलस लीनियस सबसे पहले हैं। इस बंदे ने थ्री किंगडम सिस्टम भी इंट्रोड्यूस करवाया, लेकिन इसका सबसे बड़ा जो काम था वो था सॉर्ट आउट ऑफ नेमिंग सिस्टम बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। दूसरा बंदा था जीन बैप्टिस्ट डी लामार्क, जिसने इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड करेक्टरिस्टिक्स ये थ्योरी भी इंट्रोड्यूस करवाई, और ये एवोल्यूशन के बारे में भी इसने बहुत सारा कंसेप्ट दिया था। इसके बाद अगला पर्सन है जिसे हम कहते हैं थॉमस रॉबर्ट मेल्थस। थॉमस रॉबर्ट मेल्थस जोन सा था, इस बंदे ने पब्लिश किया था किस चीज़ को, ऐसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन को। इस बंदे ने एक रूल दिया था, पॉपुलेशन ये असल में डेमोग्राफिक था और पॉलिटिशियन भी था, इकोनॉमिस्ट भी था। इसने एक रूल दिया, रूल ये था कि जब भी पॉपुलेशन इंक्रीज होती है वो मल्टीप्लाइंग के रूल से इंक्रीज होती है, जबकि जो हमारे रिसोर्सेज होते हैं वो एडिशन रूल से इंक्रीज होते हैं। मल्टीप्लीकेशन 3 × 3 = 9, लेकिन जो रिसोर्सेज हैं वो एडिशन रूल से बढ़ते हैं, 3 + 3 = 6। इस बंदे ने कहा, जिसका पूरा नाम थॉमस रॉबर्ट मेल्थस। अगला पर्सन है कोई आय, जिसे हम कोई और भी कहते हैं। तो इस बंदे ने कंट्रीब्यूशन की थी कि पॉपुलेशन पैलेंटोलॉजी के बारे में, और एक्सप्लेन किया था अर्थ हिस्ट्री बाय कैटास्ट्रोफिज्म। इसने कहा था असल में जो हमारी ज़मीन बनी है ना, इसके वजूद में कोई ना कोई तूफान आया, कोई आफत थी जिसकी वजह से ये बनी, और उसके बनने के नतीजे में क्या हुआ, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स ज़मीन से ख़त्म हो गए। वो फिर ऑर्गेनिजम्स ज़मीन की जब स्ट्रक्चर को डिफाइन करना शुरू किया, वो नीचे से निकलना शुरू हो गया। जैसा कि आज हमारे पास पेट्रोल निकल रहा है, क्रूड ऑयल निकल रहा है, डायनासोर्स के फॉसिल्स निकल रहे हैं, या और बहुत सारी चीज़ें निकलती हैं, तो वो पैलियंटोलॉजी है। ठीक है जी, इसके बाद अगला पर्सन है जिसे हम नाम देते हैं मार्गुलस लाइल का। इस बंदे ने प्रिंसिपल ऑफ जियोलॉजी ये पब्लिश किया था। चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन है, इनका एक वॉयेज था एचएमएस बीगल। दुनिया पे इन्होंने एक चक्कर लगाया था समंदरी, 5 साल का जो था। तो इसके बाद इन्होंने ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़, ये एक इनका एक पेपर है, एक ऐसे है द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ बाय मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, ये इन्होंने दिया था। ठीक है जी, इसके बाद ग्रिगर जोहन मेंडल पब्लिश दी पेपर ऑफ इनहेरिटेंस। इन्होंने कहा था कि जो करेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो हमेशा पास होते हैं पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग के अंदर। और आखिरी पर्सन है वेलक। तो वेलक ने जब चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन जोंसा था वो अपने काम पे जब जाने लगा, तो वेलक ने उसे अपनी एक पेपर सेंड किया था। वो ऐसे भी एवोल्यूशन के बारे में था कि चीज़ों में चेंज कैसे आते हैं, ज़मीन कैसी है, तो इन चीज़ों के मुतालिक जोंसा था उसने इसलिए भेजा था ताकि इसको भी रीड कर लिया जाए और आपके सफ़र में थोड़ी सी आसानी हो जाए। ठीक है, तो ये कंसेप्ट ऑफ एवोल्यूशन है जो अभी जिसका हम ये इंट्रोडक्शन पढ़ रहे थे। तो अगला हमारा टॉपिक है जिसमें हम बात करेंगे ओरिजिन ऑफ लाइफ, ज़िंदगी कैसे निकली। ये एक हाइपोसिस है जिसे हम कहते हैं हाइड्रोथर्मल वेंट हाइपोसिस। फिर इसके साथ हैं कुछ ऑर्गेनेल्स भी बनते हैं जिसे हम सिम्बायोटिक हाइपोसिस कहते हैं। वो इंशाल्लाह फिर हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।